सुखी, थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? जाकर बताओ सबको कि आपने थप्पड़ मारा है मुझे। वैसे अगर वो कभी गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया करें, डांट दिया करें, तो प्लीज इग्नोर क्या करो, आगे से जवाब मत दिया करो। मैंने ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अभी आप कैसे झूठ बोल लेती हैं? तो की भाई, जब से आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी है, तब से ही मुझे ताने देती रहती है, बुरा भला कहती रहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सारी जिम्मेदारी भाभी को वापस दे दें। इतना रुलाऊंगी आपको, इतना रुलाऊंगी कि आप मुझसे खुद हाथ जोड़ के देंगी कि जाओ फलक, इस घर से चली जाओ। आपको पता है मैं स्कूल में एनुअल पैवेलर आ रहा है, मैं फिर फेरी बनूंगी। मुझे जरूर दिखाना। ओके। और आपको पता है मम्मा कह रही थी कि मैं आपका स्कूल चेंज करूंगी, है ना मम्मा? क्यों भाभी, स्कूल क्यों चेंज कर रही है इसका? वो स्कूल तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो इसकी स्टडी मुतासर हो गई। बहुत दूर है, टाइम बहुत लग जाता है, और फिर इनके स्कूल की एक न्यू ब्रांच यहाँ करीब में ओपन हो रही है, तो मैंने सोचा इसका एडमिशन वहीं करवा दूंगी, आने जाने में भी आसानी। न्यू ब्रांच? लेकिन भाभी पता नहीं वहाँ पे कैसा स्टाफ हो, वहाँ की पढ़ाई कैसी हो, और ये वहाँ पे एडजस्ट कर सकेगी नहीं कर सकेगी। यहाँ पे इसके फ्रेंड्स हैं सारे, इन्हों वहाँ जाके हो सकते हैं डिस्टर्ब हो जाए, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मैं काम करता हूँ ना, इसका पिक एंड ड्रॉप मैं कर लिया करूँगा स्कूल से, ठीक है? पहले भी तो करता ही था ना, अब भी कर लूंगा। लेकिन अब आई थिंक तुम्हारा काम, तुम्हारा बिजनेस उसका हर्ज हो रहा है, फिर क्यों तकलीफ दूं मैं तुम्हें? मेहमान हूँ मैं, खुद ही जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। किसी ने कल कुछ कह दिया तो क्या हो गया है भाभी? आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हैं, और कोई क्यों कुछ कहेगा, और कौन कहेगा? देखे भाभी, हफ्सा इस घर की रौनक है, हम सबकी जान है इसमें, है ना? हफ्सा की स्कूलिंग सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में, है ना? थैंक यू कबीर, तुमने वैसे भी हमेशा बहुत सपोर्ट किया सारी चीजों में, लेकिन असल में ऐसा है कि न्यू ब्रांच में मैं हफ्सा की सीट रिजर्व करा चुकी हूँ, तो मना करना ठीक नहीं लगे। एक और चीज भी वैसे तो डिस्कस करनी थी मैंने तुमसे, आई थिंक अभी ठीक वक्त है कि मैं तुमसे बात कर लूँ। कबीर, मैं चाहती हूँ कि अब सारा बिजनेस तुम खुद संभाल लो, और जल्द मैं इस बिजनेस से रिजाइन करना चाहूँगी। आप ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आई थिंक बहुत जल्द आने वाले महीनों में मैं ऑफिस जाया भी नहीं करूँगी। अभी क्या हो गया है आपको, ये आप अचानक से क्या बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है भाभी, अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो सब कुछ चलेगा कैसे? क्यों मुमकिन नहीं है, आज नहीं तो कल, ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं। भाभी, क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बस अब हफ्सा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि अगर उसका स्कूल उसके पास हो, ताकि मैं उसे खुद पिक एंड ड्रॉप दूँ। जो सच बात है, बीमारी में मुझे बहुत हौसला दिया है हफ्सा ने, और बात सच है, मेरे आंखों के सामने जब भी रहती है एकदम ताज़ा दम हो जाती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ,
होपफुल होती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ उसे टाइम दूँ। और आई थिंक जो बिजनेस है ना, इसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत निग्लेक्ट हो गई है। ठीक कह रही हैं आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, और बिल्कुल करें, मैं मना नहीं कर रहा इस बात के लिए। लेकिन भाभी, अभी इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि सारा बिजनेस मैं अकेले संभाल सकूँ। देखें, ये बिजनेस जितना मेरा है उतना आपका भी तो है ना, और आपको भी तो संभालना है। देखिए भाभी, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप ऑफिस ज़रूर आए। भाभी देखें, अकेला मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मेरे नाजुक से कंधों पे इतना बोझ मत डालें, उठा नहीं पाऊँगा, प्लीज़। मामा मॉल चलें, मैं आप फेरी ड्रेस भी तो ले लें। हाँ बिल्कुल, वो फेरी ड्रेस लेना तो बहुत ज़रूरी है। क्यूट सा। पार्टी जो है हमारे स्कूल में, फेयरवेल पार्टी। कौन? मैं क्या? बिल्कुल ठीक रही, तुम सोचना प्लीज। लाओ, क्या क्या निकाला है? अच्छा, चाचू के साथ बैठ गए थे कलरिंग पर, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर हम जल्दी से जाएंगे, ठीक है? संदीर, आलिया भाभी क्या बात कर रही थी आपसे? मैंने गुजरते हुए सुना था, फैमिली और बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। भाभी चाहती है कि सारा बिजनेस मैं अकेले ही संभालूं। क्या? मगर क्यों? वो फैमिली को टाइम देना चाहती हैं, उन्हें लगता है कि बिजनेस की वजह से फैमिली निग्लेक्ट हो रही है। ऐसे कभी कहते वो बिल्कुल ठीक रही हैं, मगर इतना बड़ा फैसला यूं अचानक? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा फैसला भाभी अकेले कैसे ले सकती हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अकेला बिजनेस नहीं संभाल सकता। वैसे कबीर एक बात कहूँ, आज नहीं तो कल ये सब कुछ आपने ही संभालना है। आखिर वो कब तक आपकी हेल्प करती रहेंगे? अब वैसे भी उन पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, अब सब बड़ी हो रही है, उसको ज़रूरत होती है उनकी, और फिर तो कीर भाई, और उससे भी बड़ी बात ये घर, मैं तो भाई ये घर नहीं संभाल सकती। अब तुम खुद देखो, इस घर को तुम अकेले नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे संभालूंगा अकेले? लेकिन कबीर, आप ही तो उनकी मजबूरी समझे ना, वो एक बिजनेस वुमन ही नहीं बल्कि एक माँ भी हैं और एक बीवी भी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, इस घर की सरबराह भी हैं, सब कुछ तो उन्हें देखना है ना। ठीक है जो भी है, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि भाई ऑफिस ज़रूर आए। आप ही बिजनेस की पार्टनर हैं, वो जो जिम्मेदारियाँ अपनी वो निभा रही थी, इसी तरह आप भी निभाएं, मैं ये सब कुछ नहीं चला सकता अकेले। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, और मुझे यकीन है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा रन कर सकते हैं। फलक, मैं 100 साल की ट्रेनिंग लेकर भी आ जाऊँ ना, तो आलिया भाभी का मुकाबला नहीं कर सकता। आलिया भाभी की बिजनेस अप्रोच, उनकी बिजनेस डीलिंग लाजवाब है। यू नो, हमारे इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास इतना सरमाया है, उनके पास मैन पावर है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो आलिया भाभी जैसा दिमाग नहीं, तो आलिया भाभी के बगैर ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल, समझे? ओके, अल्लाह हाफिज। कभी मैं चाहती हूँ कि सारा बिजनेस तुम खुद संभाल लो, और जल्द मैं इस बिजनेस से रिजाइन करना चाहूँगी। आई थिंक बहुत जल्द आने वाले महीनों में मैं ऑफिस जाया भी नहीं करूँगी, आज नहीं तो कल, ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं।
और आई थिंक जो बिजनेस है ना, इसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत नेग्लेक्ट हो गई है। मेरी वो साहब से बात करना है जो कंपनी के कानूनी मामला थी। इमरजेंसी अभी। कैसे हैं वो साहब? एक्चुअली मुझे कंपनी के शेयर्स के कुछ पेपर्स बनवाने हैं, आप मेरे कमरे में आ सकते हैं? जी प्लीज आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। नवाल, नवाल बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। अरे वालेकुम अस्सलाम, ऐसे अचानक? हाँ वो बस घर में दिल घबरा रहा था, सोचा आप लोग के पास आ जाऊंगी ना, फ्रेश हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बहुत अच्छा किया। नवाल आप किधर हैं? वो ऊपर तैयार हो रही है। क्यों, कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ मैं नवाल की ससुराल जा रही थी। खैरियत? वो सोफिया बहन की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा तीमारदारी कराऊं। क्या हुआ उन्हें? ऐसी फूड पॉइजनिंग। अच्छा तो फिर मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ। तुम घर पे आराम से रेस्ट करो, थकी हुई आई हो, हमने बस आना जाना ही करना, आ जाएंगे जल्दी। घर में ही तो पड़ी रहती हूँ मामा, मैं वैसे भी यहाँ के लिए रहकर क्या करूँगी, आप लोग के साथ ही चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर नवाल को देखो कि वो तैयार हुई या नहीं, जल्दी ले आओ। वैसे आंटी आपकी अब तबीयत ठीक है? बहुत बेहतर है बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, इतना तकल्लुफ किया सबने। कोई बात नहीं, मुझे भी जैसे ही पता चला मैं तो रह ही नहीं सकी, मामा और नवाल आप ही के साथ आपको देखने आ गई। थैंक यू बेटा। वैसे आंटी मैं आपसे काफ़ी नाराज़ हूँ। क्यों बेटा, क्यों नाराज़ हो तुम? क्योंकि आप बीमार पड़ी और आपने एक दफ़ा फ़ोन भी नहीं किया मुझे, मैं आ जाती। हमजा नवाल को बता के सबको परेशान कर दिया तुमने बेटा, सिर्फ फूड पॉइजनिंग थी, नॉट अ बिग डील। फिर भी आपको बताना तो चाहिए था। आपको अंदाजा नहीं है कितना नाराज हो रही थी, इसे पहले क्यों नहीं बताया? आंटी आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे कि मैं कोई खैर हूँ। बेटा तुम मेरी बेटी हो। लेकिन मामा एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, जब से नवाल आई आप फ्रेश हो गई। हाँ ये बात तो ठीक है भाई, मेरी बीमारी सारी भाग गई, आई एम फीलिंग मच बेटर लुकिंग एट यू नाउ। आपने कुछ खाया? नहीं वो सूप बना रही है मेरे लिए। चले मैं जाकर ले आती। नहीं नहीं तुम क्यों जाओगे, तुम बैठी रहो मेरे पास ना, वो ले आएगी। नहीं घर में भी मैं अम्मी के सारे काम खुद ही करती हूँ, तो आपके भी काम करके मुझे अच्छा लगेगा। है कितनी अच्छी बात है, लेकिन आई प्रेफर कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी कंपनी होती ना तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। कितनी अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी को माशाल्लाह से। पहली बार जिंदगी में अपने बेटे के फैसले पर खुश हुई हूँ मैं। मैं बीमार थी ना, तुम्हें देख के सारी बीमारी मेरी भाग गई, आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। वो देखो सूप भी आ गया। थैंक यू। कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो ना, मेहमान आए हुए, जाओ। नहीं आंटी एक्चुअली वो हम थोड़ी देर में निकलेंगे, मुझे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है एनजीओ की, मुझे तो इजाज़त दीजिए। अच्छा चले अगर आप ही जाना है तो आप चली जाए, लेकिन नवाल को यहाँ छोड़ देना, मेरा दिल लगा रहेगा, शाम को हमसे छोड़ देगा इसे, अगर आपको कोई एतराज ना हो। जैसे आपको बेहतर लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा फिर ठीक है, मैं भी मामा के साथ ही चली जाती हूँ। हाँ फलक बेटा तुम्हारी मर्जी, तो तुम जाना चाह रही हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन रुक जाओ तो अच्छा रहेगा, गपशप लगाएंगे, हमजा तुम दोनों को बाद में छोड़ देगा। बाप इतना इसरार कर रहा है तो मैं रुक ही जाती हूँ।
रुपया मेरे रूम में क्या कर रही है? मैं घर देख रही थी, दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपका रूम है। आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है? हाँ, कभी कभी। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी बेटा, आप ही कहाँ है? यहाँ ही थी अभी बेटा, शायद थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। हमजा के साथ होंगी। फिर मैंने तो कहा भी था कि आंटी के पास बैठिएगा, उनके ख्याल रखिएगा, उनसे बातें कीजिएगा, पर देखिए मौका मिला और चली गई। बल्कि वो तो पहले ही कह रही थी कि अच्छा है, हमजा से बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। काफी देर बैठी रही, दिल बहलाती रही मेरा। जब तक बैठी रही ना तो मैं तो भूल गई कि मैं बीमार हूँ। आ जाएगी, भारी होगी। अच्छा, मैं देख लेती हूँ कि कहाँ हैं दोनों। आप ख्याल रखें। थैंक यू रावण, आज यहाँ पे आने के लिए। मामा को बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें, वो बहुत खुश थी आज। मैं थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम मुझे कल रात ही बता देते तो मैं मम्मी आ जाते। आंटी वैसे बच्चों की ज़रूरत बहुत महसूस कर रही होंगी ना। लेकिन बच्चों मुसलसल कॉल कर रही थी, फिर वो मुलाजमा भी थी, मैं भी था, तुमको इतनी परेशानी हुई नहीं। चलो दैट्स गुड। नवाल, में सोच रहा था कि हम लोग शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, बस जो भी वहीं पे। हाँ नहीं हमजा, मैं तो तुम्हारे साथ कनाडा नहीं शिफ्ट हो सकती। यहाँ अम्मी है, वो अकेली रह जाएंगी। तो मैंने सोचा है तुमको भी ले चलते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं हमजा, तुम्हारा बिजनेस कहाँ सेटल्ड है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तुम्हें बाहर सेटल होने की क्या जरूरत है? अनलेस तुम फिर से मुझे छोड़ के जाने का सोचो। देखो अगर ऐसा ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है तो मुझे अभी बता दो, अभी हम बहुत आगे नहीं आए हैं, वापसी का रास्ता है। अगर तुम फिर से छोड़ के जाना चाहते हो तो फिर मुझे बता दो, पहले भी एक 5 साल का रिलेशन छोड़ के गए थे ना, तो अगर चुप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ ना, अकेले तो नहीं जा रहा मैं, वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा। अगर मुझे अकेले जाना होता तो मैं वापस ना आता। आंटी नाराज हो रही हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों। आ जाएं आप लोग। मामा इंतजार कर रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। नवाल आप ही अब ख्याल रखिएगा, अब जाने की जरूरत नहीं है वहां। सूफिया आंटी क्या सोचेंगी, एक फोन करो भागी चली आती है, शायद कोई काम ही नहीं है इसको। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी आज ही गई हूँ मिलने, अगर वो बीमार ना होती तो मैं ना जाती। फिर भी आ गई तुम दोनों? हाँ जी अभी अभी। मम्मा आप यकीन करें ना करें, बहुत ही कोई फेक लोग थे, इतने स्वीट हो रहे थे, स्पेशली सोफिया आंटी, मुझे तो बिल्कुल आलिया भाभी लग रही थी। मैं तो कहती हूँ माँ ख्याल कीजिए और इन्हें भी समझाएं कि कोई ज़रूरत नहीं है हमजा के साथ घूमने फिरने की और उनके घर जाने की, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी में थोड़ा ही अरसा, थोड़ा वेट कर लें ये लोग, किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो तरह तरह की बातें बनाएंगे और आप लोगों के मुंह नहीं पकड़ सकेंगी।
भाई अगर रिश्तेदारों को खुश करना है तो बस फिर मर जाओ। नहीं नहीं वो फिर भी खुश नहीं होंगे, बोलेंगे कि इस तरह से क्यों मरे, इस तरह से क्यों नहीं मरे। लोगों का काम है बातें करना, उनकी वजह से हम जीना नहीं छोड़ सकते। मगर इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल तो खुद रखना होता है ना, आपकी फिक्र है इसीलिए समझा रही हूँ। खैर मामा मैं बस चलती हूँ ना। कहाँ भाई, अभी आइयो दो घड़ी बैठो, चाय पी लो हमारे साथ, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हो। हाँ बैठो तो सही हमारे साथ। नहीं मैं पहले काफी लेट हो चुकी हूँ, अभी बस निकलती हूँ फिर आ जाऊंगी। ख्याल रखना अपना। ओके फोन कर देना पहुंच के। जी जी जी। फलक ज्यादा सोच रही है, सोफिया आंटी वाकई दिल की बहुत अच्छी है। समाने की ठोकरों ने ना उसे बहुत समझदार कर दी है, बहुत ठहराव आ गया उसकी शख्सियत में। बातें उसकी कड़वी थी लेकिन सब सही थी। तुम थोड़ा संभल के रहो वैसे। ठीक है, बस इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटी की तरबियत अपने जैसी मत करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर सवाल करने की? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फलक ये फाइल संभाल के रखो। ये किस चीज की फाइल है? पेपर्स हैं बिजनेस के, मैंने आधा बिजनेस आर्या भाभी के नाम कर दिया। क्या मेरा मतलब है क्यों कबीर? भाभी ने तो खुद इनकार किया है कि वो ऑफिस नहीं आना चाहती, वो घर को टाइम देना चाहती हैं, तो फिर आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? सो व्हाट, उनका आधा हिस्सा मैंने उनके नाम कर दिया, लेकिन काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। अलग हो सकता है कि वो ऑफिस इसी वजह से नहीं आना चाहती हूँ कि उन्हें लगता हो बिजनेस तो सारा मेरे नाम है, वो क्यों बिना वजह इतनी मेहनत करें? कबीर ऐसी बात नहीं है, भाभी ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगी, वो बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि उनकी बात सही है, वो घर रहना चाहती हैं, घर को वक्त देना चाहती हैं, और ऐसे भी सारे का सारा बिजनेस तो आप ही का है ना, वो ये फाइल कभी भी नहीं लेंगी। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा फलक, जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा। आलिया भाभी का हक था, मैंने उनके नाम कर दिया, अब चाहे वो उसे रखें या बेचें, जी मर्जी। अच्छा ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे संभाल के रखना, और कुछ पेपर्स इसमें अभी मिसिंग है, जब पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आलिया भाभी के हैंड ओवर कर दूंगा। ओके मैं फ्रेश हो के आता। नवाल इतनी अच्छी लड़की है ना, उसमें जो क्वालिटीज है ना आजकल की लड़कियों में बिल्कुल नहीं मिलती हैं। मैंने कहा था ना आपसे, केयरिंग लविंग, सख्ती से कहती गई है कि आपने दवाई टाइम पे खानी है, कोई गलत खाना नहीं खाना पेट खराब हो जाएगा, और मुलाजमा को कह गई है कि मिर्च मसाले वाले खाने ना बनाए। शी इज सो स्वीट बट आई एम सो हैप्पी, वेल डन। तो फिर क्या ख्याल, अटेंडेंट को हमेशा के लिए बुला लें अपने घर, आपका भी ख्याल रखेगी और मेरा भी। मुझे पहले ठीक होने दो फिर मैं खुद ही बात कर लूंगी। वो इस घर में आएगी ना तो रौनक आ जाएगी, इट विल बी लवली हैविंग हर हियर नाउ। वो तो मैंने आधा बिजनेस आलिया भाभी के नाम कर दिया, लेकिन काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा फलक, और जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा। आलिया भाभी का हक था, मैंने उनके नाम कर दिया, आप चाहे वो उसे रखें या बेचें, जी मर्जी। मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कभी तो सब कुछ लुटा देंगे।
और ये क्या मेस फैलाया हुआ है? ये तो हफ्सा बीवी ने किया है, मैं भी साफ कर देती हूँ। ये कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ वो खेल रही थी, उसे खेलना होता तो अपने कमरे में जाकर क्यों नहीं खेलती? समेटो सब कुछ ये। हफ्सा बेटा खिलौने कौन इस तरह से फेंकता है? सॉरी आंटी। मैंने फलक को सिर्फ इतना कहा था कि आज खाना जल्दी बनवा ले। यस मामा इट्स राइट, मामा यही कह रही थी वहां पर, मामा झूठ नहीं कह रही। नूर जी, हफ्सा ये सब समेट लेगी, तुम जाओ मैंने अपने कपड़े रखे थे वो आयरन कर दो। नहीं बेटा वो भी उठा लो। फलक जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। हाँ बस 2 मिनट। क्या ढूंढ रही हो फलक? कबीर ये थे कंगन, पता नहीं यही थे, कहाँ चले गए? अरे ठीक से देखो, यहीं कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? बॉक्स खाली है, यही रखे थे मैंने। नूर, नूर। जी बीबी जी। नूर अब यहाँ मेरे कंगन रखे थे। नहीं है, देखे हैं तुमने? नहीं मैंने तो यहाँ पे नहीं देखे, और सफाई करते हुए भी यहाँ नहीं थे। क्या मतलब है नहीं थे? कहाँ रखे थे, याद है तुम्हें ठीक से? हाँ कबीर मैंने खुद रखे थे। वो शाम में हफ्सा खेल रही थी ना कमरे में, मेरे कमरे में मैस फैलाया हुआ था, मना तो नहीं कर सकती थी ना, छोटी बच्ची है, कहीं उसने ही ना रख दी हूँ खेल खेल में। मैं पूछती हूँ उससे। बहुत सारे बच्चे जमा हो गए ना, लिखा फ्यू चिल्ड्रन, तो उसका मतलब हफ्सा बेटा, बेटा आप मेरे रूम में खेल रही थी ना, तो कंगन कहाँ रखे हैं आपने? खेल रही थी। अब कौन सा नया ड्रामा करने आई हो तुम? भाभी क्या हो गया आपको, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। एक मिनट। फनक क्या बात है, हुआ क्या है? भाई फलक के कंगन गुम हो गए हैं, और फलक कह रही थी कि शायद हफ्सा उसके कंगन से खेल रही थी तो उसने गलती से कहीं रखती हैं। फलक बड़ों की लड़ाई में बच्ची को मत घसीटो। हफ्सा पर इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने कमरे में अपने कंगन वहां ढूंढो। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही भाभी, हद करती हैं आप भी। तो हफ्सा क्यों चोरी करेगी तुम्हारे कंगन, इसका तुम्हारे देवराज से क्या लेना देना? हफ्सा बेटा आपने टॉयज अपनी बास्केट में रखे थे ना, वो बास्केट कहाँ है? मैंने तो रूम में रखी है। नूर जाके वो टॉयज वाली बास्केट लेकर आओ। लाओ यहाँ रखो, खिलौने निकालो।
ये सब आप लोग अपनी आंखों से देख लें। भाभी, ना तो मैं कोई इल्जाम लगा रही थी और ना ही कोई ड्रामा कर रही, बस इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटी की तरबियत अपने जैसी मत करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर सवाल करने की? हाँ, आइंदा अगर तुमने हफ्सा पर उंगली उठाई या कोई भी उल्टी सीधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। भाभी, फलक का ये मतलब है? इसका जो भी मतलब है मैं अच्छी तरह समझ गई, लेकिन शायद आप दोनों को समझ नहीं आई। आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? चल। कबीर, ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ नहीं फलक, गलत फहमी हो गई होगी, गलती से रख दिया होगा। हाँ, तुम भी उनकी तरफदारी करो, मैं ही गलत हूँ बस। इसका आपसे जानी, आप मुझे सच सच बताओ कि आपने वो कंगन अपनी टॉय बास्केट में रखे थे? नो मम्मा, मैंने नहीं रखे थे। इनफैक्ट मैं तो सारे टॉयज बास्केट पर रखी थी। आई रिमेम्बर इट मामा। सुन ले आप, इसने खुद नहीं रखे वो कंगन बास्केट में। आलिया सब ने अपनी आंखों से देखा था, कंगन टॉय बॉक्स में से निकले थे इसकी। नॉट लाइंग बाबा, डोंट ब्लेम मी। तो बेटा, फिर किसने आपकी टॉय बास्केट में रखे वो बैंगल्स? आई डोंट नो, ये तो पलक चली से पूछे ना। आलिया तो बच्ची है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो, सकते से गलती हो गई और इसकी बात सुन के तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। यार, अगर फलक ने कुछ कह भी दिया था तो चुपचाप सुन लेती, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे समझा रहे? वो मेरी तरबियत पर सवाल उठा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं चुपचाप सुन लेती। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? आलिया, मैं सिर्फ इस घर के सुकून की खातिर कह रहा हूँ। आई एम सॉरी तौफीक, मैं अपने बारे में कुछ भी सुन लूंगी लेकिन अपनी तरबियत या अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तो फिर बताओ मुझे मैं क्या करूँ? आप मुझे बताए ना मैं क्या करूँ। जितनी भी कोशिश कर लो कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है। मेरा बच्चा मुश्किल में डाल दिया, इतनी सी बच्ची को सब में इसको घसीटने की क्या जरूरत? पलक, तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कबीर, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो वो इतना गुस्सा हो गई थी? एक बात ही तो कही है। आलिया, भाभी की तरबियत पर सवाल उठाना किसी तौर मुनासिब बात नहीं थी। फलक, मुझे भी बुरा लगा ये। हाँ तो क्या झूठ कहा मैंने? बेटी अगर चोरी करेगी तो माँ की तरबियत पर ही सवाल उठेगा ना। वो गौर से एक फलक, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। तुम क्यों समझ नहीं रही हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। हफ्सा एक छोटी बच्ची है और घर में कभी भी उसने किसी की भी चीज आज से इधर से उधर नहीं की, और अगर गलती से खेल खेल में उसने तुम्हारे कंगन अपनी बास्केट में डाल दिए तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? बात मैंने नहीं बढ़ाई थी, गुस्सा भाभी कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जरूरत से ज्यादा कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था? हाँ तो क्या हुआ, उस टाइम गुस्से से निकल गया ना मुंह से जो भी निकला। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। फलक, फलक फाइल ले आओ। कौन सी फाइल? बिजनेस के शेयर्स वाली फाइल, भूल गई हो? हाँ भूल गई थी, अभी लाती हूँ। ये वाली कबीर, मैं कह रही थी कि एक बार सोच लें आप, ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो आपको। इसमें सोचना क्या है, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। और पछतावा तो मुझे इस बात का है कि मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, मुझे तो पहले ही भाभी का शेयर उन्हें दे देना चाहिए था। यू नो, भाभी ने जो कुछ मेरे लिए किया है ना,
उसके सामने ये सब कुछ बहुत थोड़ा है जो मैं उनके लिए करता हूँ। आई नो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं तो घर के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रही थी। ऐसा ना होना कि आलिया भाभी और तकीर भाई समझें कि आप उन्हें उनका हिस्सा देकर अलग होना चाहते हैं। उम्मीद तो नहीं है कि वो ऐसा सोचेंगे, लेकिन अगर सोचेंगे भी तो मैं उन्हें समझा लूंगा। तुम परेशान मत हो, लेट्स गो। भाभी, मैं जानता हूँ फलक की बात से आप बहुत हर्ट हुई हैं। फलक को भी इस बात का एहसास है, अपनी गलती का एहसास हो गया उसे, आप प्लीज इसे माफ कर दें। कोई बात नहीं, मैं भी ज्यादा ही गुस्सा कर गई, बाद में एहसास हुआ मुझे। हम बड़ों से इतनी गलतियां हो जाती हैं तो छोटों से भी गलती हो ही सकती है ना? भाभी, आप हमेशा बड़पन का मुजाहरा करती हैं। थैंक यू सो मच। देखा फलक, अच्छा आप ऑफिस नहीं आ रही आज? आऊंगी ना, एक दो विजिट्स हैं मेरे, उसके बाद ही ऑफिस आऊंगी। अभी तुम जाओ। ओके, सी यू देन, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जानबूझ कर छुपाए ना तुमने वो कंगन हफ्सा के टॉय बॉक्स, ताकि सबके सामने उसे चोर साबित कर सको। हाँ बिल्कुल। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, जो कहना है मुझे कहो। उस बच्ची को क्यों बीच में ला रही हो सबके? वो तो एक मोहरा है, कमजोर सा, जिसके जरिए मैं आपका तकब्बुर तोड़ सकती हूँ। बहुत गरूर है ना आपको, हर चीज में आप परफेक्ट हैं, मिस परफेक्शन। तो बस आपका गरूर तोड़ना चाहती थी। औरत का गरूर वैसे टूटे ना टूटे, मगर जहां बात अपनी औलाद की आजमाइश की आती है वहां जरूर टूट जाता। तुम्हें इस घर में वापस लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, लाना ही नहीं चाहिए था। नवाल, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं दो दिन पहले नया ऑफिस ज्वाइन कर चुकी हूँ।